गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है हाउ एयर कोट एयरपोर्ट कोड्स आर डिसाइडेड ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जीवार में जो बन रहा है उसको जो है एयरपोर्ट कोड मिला है यूनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोड डी जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिया है अब ये जो डी एक्स एन सिंबल है ये एयरपोर्ट की अप्रोक्सीमिटी टू नोएडा डेली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को दिखा रहा है अब ये जो कोड होता है इससे ट्रैवलर्स और एविएशन प्रोफेशनल्स को जो है डेस्टिनेशन uh, को स्विफ्टली कम्युनिकेट करने में और एक्यूरेटली जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाता है ठीक है तो जो अगर हम देखें नोएडा एयरपोर्ट के बारे में तो ये लगभग ट्वेल्व मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी को जो है हैंडल कर सकेगा इसका जो टर्मिनल बिल्ड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेप्टेम्बर टू तक ये कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो अगर हम एयरपोर्ट कोड्स के बारे में देखें तो ये यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हर एयरपोर्ट को दिए जाते हैं सबसे पहले तो नाइनटीन थर्टीज़ में शुरू किए गए थे ये एयरपोर्ट कोडिंग का सिस्टम उस समय एयरलाइंस और पायलट्स टिपिकली अपने आप ही जो है टू लेटर कोड जो है असाइन कर लेते थे लेकिन नाइनटीन फोटीज़ में जब एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई तो सिस्टम ऑफ थ्री लेटर कोड जो है वो स्टार्ट किया गया और ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया नाइनटीन सिक्सटीज़ में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अब करंटली अगर हम देखें तो हर एयरपोर्ट के दो यूनिक कोड्स होते हैं एक तो कोड होता है जो आई देता है दूसरा जो होता है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन देती है दोनों ही कोड्स जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एयरपोर्ट्स को हेल्प हेल्प करते हैं ठीक है जो आई का कोड होता है वो तीन डिजिट का कोड होता है और जो है पैसेंजर्स जैसे जो ट्रैवल करते हैं उनकी टिकट्स पे बोर्डिंग पासिस पे जो है ये लिखा होता है आई का कोड जो है वो फोर डिजिट का कोड होता है और ये जो जनरली इंडस्ट्री प्रोफेशनल जैसे पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स प्लानर्स ये सब इसको यूज़ करते हैं ठीक है अगर हम देखें कि आई कैसे असाइन करता है एयरपोर्ट कोड्स को तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं जनरली ख़ुद ही लॉबी करते हैं कि हमें कोई मीनिंगफुल सा कोड कोड दिया जाए और फिर ये भी देखा जाता है कि कोड वो अवेलेबल है या नहीं है क्योंकि दो एयरपोर्ट्स के सेम कोड तो नहीं हो सकते कोड जो है हर साल दो बार पब्लिश किए जाते हैं आई ए टी एयरलाइन कोडिंग डायरेक्टरी के अंदर ठीक है नेक्स्ट <coughs> हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है ये एक ट्रेड एसोसिएशन है वर्ल्ड के एयरलाइंस का जो कि 1945 में फाउंड किया गया लगभग 94 परसेंट एयरलाइंस इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेड हैं और मॉन्ट्रियाल कैनेडा में इसका हेडकोर्टर है नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है ये एक इंटर गवर्नमेंटल स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की इसको 1947 में इस्टेबलिश किया गया था ये भी मॉन्ट्रियाल में ही सिचुएटेड है और ये सेफ़ और एफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड है स्टैंडर्ड्स और रेगोलेशन सेट करती है एविएशन सेफ्टी के लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी जो है ये सर्व करती है सिविल एविएशन इश्यूज से रिलेटेड रीजनल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को जो है एविएशन मार्केट्स को लिबरलाइज़ करने के लिए ये प्रमोट करती है लीगल स्टैंडर्ड्स भी एस्टेब्लिश करती है ताकि एविएशन सेक्टर की ग्रोथ हो सके ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो इंडिया ने फोर्टी रैंक जो है वो रिटेन किया है आउट ऑफ वन इकोनॉमीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टू की रैंकिंग्स में अब ये कौन पब्लिश करता है वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये एक रिलायबल टूल होता है गवर्नमेंट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि वो अपने इनोवेशन जो है उसको असेस कर सके सोशल uh, और इकोनॉमिक चेंजेस में किस तरह की इनोवेशन आ रही है उसको जो है वो असेस uh, कर सके इस साल नीति आयोग ओ और वीपो जो है मिलकर जो है इंडिया स्पेसिफिक जो है जीआईआई के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं और अगर हम देखें की फाइंडिंग्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो ये 80 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल और पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज से लेते हुए जो है ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है टॉप फाइव कंट्रीज इस बार रही हैं स्विट्ज़रलैंड स्वीडन यूएस यू के सिंगापुर ठीक है इंडिया जो है अमंग ट्वेंटी वन आया है जिसने कि आउट परफॉर्म किया है थर्टींथ कंजेक्टिव ईयर में इस इंडेक्स uh, में ठीक है अब अगर हम देखें वीपो वीपो एक इंटेलेक्चुअल uh, प्रॉपर्टी को प्रमोट और जो है प्रोटेक्ट करने का जो है विजन uh, के साथ काम करता है और ये वन ऑफ द फिफ्टीन स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन है हैडक्वार्ट इसका भी जिनेवा में ही सिचुएटेड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई कैबिनेट सिस्टम पॉलिटिकल टॉपिक इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम अगरतला में जो है वो इनाग्रेट किया है और ये गवर्नमेंट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन को डिजिटाइज करने के लिए हेल्प करेगा ई कैबिनेट सिस्टम एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बनाया गया है और इसको डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने त्रिपुरा फोर्थ स्टेट बनी है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को अपनाया है ठीक है अब इससे होगा क्या मीटिंग्स जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी कैबिनेट मीटिंग्स पेपर का यूज कम हो जाएगा वर्क फ्लो जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा ह्यूज रिसोर्सिस ऑफ पेपर फ्यूल और मैन पावर को जो है वो सेव किया जा सकेगा नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रायो फॉर गुड ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है उन्होंने क्रायो फॉर गुड जो है इनिशिएटिव uh, को लॉन्च किया है जो कि एक न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल्स लर्निंग मॉड्यूल है एट क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म्स का इस्तेमाल करते हुए जेंडर इक्वालिटी को जेंडर पैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ द्वारा रिलीज़ किए गए थ्री मॉड्यूल्स के ऊपर बनाया गया है जिससे चिल्ड्रन और यूथ को क्रिटिकल लाइफ स्किल्स और जेंडर इक्वालिटी को समझने में हेल्प होगा इंग्लिश हिंदी और पंजाबी में इसको जो है वो आई एम सॉरी इंग्लिश हिंदी और गुजराती में इसको जो है आ, प्रोग्राम को बनाया गया है और इसको आई सी यूनिसेफ़ और बी ने मिलकर लॉन्च किया है यूनिसेफ़ तो आपको पता ही है 1948 में इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशनस चिल्ड्रंस फंड और ये ह्यूमानिटेरियन डिवेलपमेंटल असिस्टेंस देता है चिल्ड्रन और मदर्स को डिवेलपिंग कंट्रीज़ में इसका हेड कोार्टर भी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में सिचुएटेड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिंक बॉल ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो पिंक बॉलवाम जो कि जो है वो वाइड स्प्रेड होता जा रहा है सीरियस होता जा रहा है राजस्थान और हरियाणा की स्टेट्स में खासकर और ये कॉटन क्रॉप को अफेक्ट करता है तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है कॉटन का ओरिजिनली ये इंडिया का ही नेटिव है और इसमें जो है शुरुआत के स्टेज में जो एडल्ट्स होते हैं एक्चुअली वो स्मॉल मॉथ्स होते हैं थ्री से थ्री थ्री बाई एट इंच लॉन्ग और ये डिस्टिंक्टिव पिंक बैंड्स से इनके लार्वे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम कॉटन ये हिबिस्कस ओकरा होलीहॉक प्लांट्स को भी जो है अफेक्ट करता है और ये वेट और क्वालिटी दोनों ही जो है क्रॉप के उनको डैमेज कर देता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैलिप्सो मिशन ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो कैलिप्सो मिशन जो है नासा का जो कि क्लाइमेट वेदर और एयर क्वालिटी को एनालाइज कर रहा था उसको एंड कर दिया गया है तो कैलिप्सो का मतलब था क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथ फाइंडर सेटेलाइट ऑब्जर्वेशंस तो ये क्लाउड्स और एरोसोल्स कैसे अर्थ के क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको जो है वो स्टडी कर रहा था जॉइंट प्रोजेक्ट था नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच में 2006 में इसको लॉन्च किया गया था सैटेलाइट सेटेलाइट बे, बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ये ये थ्री डी मॉडल्स बनाकर दे रहा था एटमोसफियर के और फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रडिक्शंस दे रहा था <coughs> लिडार का टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया जाता था लिडार में क्या किया जाता है लेजर लाइट की पल्सेज जो है वो एमिट की जाती है और जितना जो है स्कैटर हो बात के वापस आ जाती हैं वो क्लाउड जो से उसके बेसिस पर जो है मेजरमेंट्स ली जाती है ये मिशन ने लगभग टेन बिलियन लिडार मेजरमेंट्स किए थे अभी तक और इससे लगभग थाउजेंड्स ऑफ़ साइंटिफिक रिपोर्ट्स तैयार की गई थी पिछले सत्रह सालों में नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नूर थ्री सैटेलाइट ये भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ईरान ने रिसेंटली नूर थ्री इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो स्पेस में लॉन्च की है ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है ईरान द्वारा डेवेलप्ड और ये सैटेलाइट जो है इसमें स्पाइंग की कैपेबिलिटीज़ हैं 450 किलोमीटर इसको ऑर्बिट में जो है वो प्लेस किया गया है और इसको ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने लॉन्च किया है ये गार्ड जो है ये अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम चलाते हैं और ये ईरान की रेगुलर आर्मी से डिफरेंट है ये सिर्फ सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उनको ही आंसरेबल होते हैं ईरान ने सबसे पहली जो नूर सैटेलाइट है वो 2020 में लॉन्च की थी नूर वन सो नाउ लेटस टॉपिक्स इन इंग्लिश टॉपिक इज हाउ एयरपोर्ट कोड्स आर डिसाइडेड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी सेक्शन So, three, so, so the upcoming Noida International Airport in Jawahar has been awarded a three-letter code DXN uh, by the International Air Transport Association. So this DXN symbol uh, is basically uh, symbolizing the proximity of Noida Airport to Noida, Delhi and Western Uttar Pradesh. This code uh, once becomes active, it will help travelers and aviation professionals to identify and communicate destinations swiftly and accurately the first phase of this airport is scheduled to be completed with one runway and a 12 million passenger capacity terminal building by 2024 september so what are these airport codes basically these are unique identifiers which are assigned to each airport and these airport code coding began first into the 1930s and at that time airlines and pilots Typically chose their own two-letter codes to identify the destinations, but after 1940s, it was realized that the number of airports have grown significantly. So a system of three-letter codes were devised. Was devised. So this system was standardized in 1960s by IATA, and at present, one code is assigned by IATA, and the other is assigned by ICAO. <coughs> So the IATA code is used is a three-letter code, which is used by uh, passenger-facing operations. Okay, which uh, includes your code, which is written on your tickets, boarding passes, etc. The ICAO code is a four-digit code for an airport, and it is used by industry professionals like uh, pilots, air traffic controllers, planners, etc. So how does these codes are assigned? So generally the airport authorities uh, lobby themselves that they want this particular meaningful code in uh, in some way but if but it it should be available also okay no two airports can have the same iata codes that's why of course uh, it depends if that code is available or not so codes are published twice a year by the iata airline coding directory so, what is IATA? IAT is a trade association of world's airlines which was founded in 1945 and it currently represents about 300 airlines or 94% of the international scheduled air traffic. Its headquarters is located in Montreal, that is in Canada. If we look at ICAO, then it's an international governmental intergovernmental organization or specialized agency of the united nations it was established in 1947 and it is also located in montreal that is in canada it develops safe and efficient international air transport and it sets standards and regulations which are necessary for aviation safety okay so it also established those legal standards which ensures the growth of uh, aviation industry so, the next topic is Global Innovation Index 2023. This topic is important for your economy section. So, India has retained the 40th rank out of 132 economies in the Global Innovation Index 2023 rankings. So, it is published by WIPO, that is, World Intellectual Property Organization, and it has become a reliable tool for governments across the world to assess their innovation led social and economic changes. So this year, Niti Aayog in partnership with CII and Vipo, they are hosting the India launch of the GIT, GII 2023. And if we look at the key findings, then it's a collection of 80 indicators from international public and private sources. This year, the top five countries include Switzerland, Sweden, US, UK, Singapore. Okay. So India is among the 21 economies which have outperformed for a 13th consecutive year. And what is WIPO? WIPO is uh, having a vision of creating activity and, and and promoting the protection of intellectual property throughout the world. It is one of the fifteen specialized agencies of the UN. <coughs> so the next topic is e-cabinet system. This topic is important for your governance section. So recently, Tripura Chief Minister has launched an e-cabinet system at agartala and. It aims to digitize the government services and information. So e-cabinet system is a powerful software portal for state governments which has been developed by National Informat Information Center which is which falls under the domain of Ministry of Electronics and IT. Tripura has become the fourth state which has introduced this e-cabinet system after Uttarakhand, Uttar Pradesh and Arunachal Pradesh. So it features maximized used of use of technology in meetings and reduces paper use it also automates workflow. it saves huge resources of paper, fuel and manpower. okay? so the next topic is cryo for good. this topic is important for your uh, social issues and economy uh, topics both. so recently, union minister for education and skill development has uh, launched this initiative called cryo for good. it's a new online life skills learning module. it consists of eight cricket-based animation films to promote gender parity so icc and unicef have released these three modules which would inspire children and youth to adopt critical life skills and appreciate the importance of gender equality so the program is in three languages english hindi and gujarati and this program has been launched in association by with the uh, icc unicef and bcci unicef is uh, unicef stands for united nations children's fund and it was established in 1946. it is a specialized agency of un which is dedicated to providing humanitarian development assistance to children and mothers in developing countries. its headquarters is located in new york city, united states. so the next topic is pink ball warm. this topic is important for your. <coughs> environment section so pink bollworm is very widespread and serious than ever before in the states of rajasthan and haryana and it is affecting cotton crop uh, uh, in these areas so it is one of the most destructive pests of cotton and it is distributed or, uh, originally to the uh, to india and it, the adults of this pink bollworm are small moths about 3 to uh, 3 by 8 inch long they have large distinctive pink bands and they can reach a length of about half inches right before they pupate. So they, this pink ballworm is not just attacking the cotton crop, but it also attacks hibiscus, okra, and hollyhock holly, holly, holly holly plants. And it damages and affects both the weight and quality of the harvested balls. So the next topic is Calypso mission. This topic is important for your science and tech section. So Calypso mission, which has analyzed climate, weather, and air quality, has recently ended by NASA. So, it uh, Calypso stands for Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations. And it was a mission which was dedicated to study how clouds and aerosols impact the Earth's climate. So, it is a joint project by NASA and French Space Agency. It was launched in 2006 and it's a special, uh, satellite based observatory. So, scientists were using data from Calypso to construct 3D models of the atmosphere, which improve our ability to predict future climate change so lidar technique was used in, under which pulses of laser light were emitted and it measured the amount of light which was scattered back by clouds and aerosols so this mission recorded about more than 10 billion radar measurements, lidar measurements and it helped create thousands of scientific reports over its 17 years of operation so the next topic is no 3 satellite this topic is important for your science and tech and security section so iran has recently launched no 3 imaging satellite into space it's an imaging satellite developed by iran and it's a satellite with potential spying capabilities it has been put into the orbit 450 kilometers above the earth's surface and it has been launched by the aerospace arm of iran's paramilitary Revolutionary Guard. This guard operates its own space program and it is parallel to Iran's regular armed forces, but it only answers to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. So, this uh, um, Noor launch, the first Noor launch was made in April 2020, and this is the third one. Okay. So, these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.